स्वागत करुछु आपण मानको मोर आउ एक नुआ भिडियो रे। आज आम आलोचना करबा प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो एक प्रबंध। प्रबंधर नाम है मु सत्यधर्म कहुछि एवं एथिरे प्राबंधिक होउछंती चंद्रशेखर रथ। तो यही प्रबंधर आम संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर को आलोचना करबा। प्रथम प्रश्न टी है मु सत्यधर्म कहुछि प्रबंधर प्राबंधिक नाम कौन। एथिरे प्राबंधिक नाम होउछि चंद्रशेखर रथ। चंद्रशेखर रथ मु सत्यधर्म कहुछि प्रबंधर स्रष्टा भावे सिद्धिर अधिकारी अटंती। परवर्ती प्रश्नटी हैला केउ प्रबंध पई चंद्रशेखर रथ ओडिशा साहित्य एकेडमी द्वारा पुरस्कृत। 1978 मसीहारे अश्रुत स्वर प्रबंध पई चंद्रशेखर रथ ओडिशा साहित्य एकेडमी द्वारा पुरस्कृत। परवर्ती प्रश्नटी हैला चंद्रशेखर रथंक सृष्टि संभार गुडीकर नाम उल्लेख कर। चंद्रशेखर रथंक प्रकाशित ग्रंथ गुडीक मध्यरे जंत्रारूढ़ असुर्य उपनिवेश ओ नवजातक आदि उपन्यास एवं अनेक बन्या परे अन्य एक सकाळ सबुठारु दीर्घ राति मनोरण्य अश्रुत स्वर मधुसंधान आदि रचना समूह ओडिया प्रबंध साहित्य को बलिष्ठ करि पारिछंती। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि मु सत्यधर्म कहुछि प्रबंधरे प्राबंधिक कण उल्लेख करिछंती। यार उत्तर हला मु सत्यधर्म कहुछि प्राबंधिकंकर एक बहुचर्चित कृति प्राबंधिक आत्मकथन शैलीरे यार उपस्थापना करिछंती। सत्य धर्मर निरविच्छिन्न विकास एवं यार गतिपथरे सृष्टि करितिबा प्रतिबंधकर चमत्कार आत्मनिष्ठ कलात्मक रूप अंकन करिछंती स्रष्टा। परवर्ती प्रश्नटी हैला बंदी जनक तांको संपर्करे आसीथिबा अभिजोग गुडीकर पुंखानुपुंख कहा आगरे तर्जमा करिछंती। संपूर्ण सत्य कहिबार निर्भर प्रतिश्रुति दे बंदी जनक तांको संपर्करे आसीथिबा अभिजोग गुडीकर पुंखानुपुंख तर्जमा करिछंती विचारकंक आगरे। परवर्ती प्रश्न हला बंदी जनक विरुद्ध रे प्रथम अभियोग कोन थिला। यार उत्तर हला बंदी संपर्क रे प्रथम अभियोग थिला जे से देशद्रोही राष्ट्र धर्म रो से विरुद्धाचरण करुछंती। परवर्ती प्रश्न हला बंदी जनक विरुद्ध रे द्वितीय अभियोग कोन थिवार निजे लेखक वर्णना करिछंती। द्वितीय अभियोग थिला से नास्तिक मंदिर मस्जिद कु से अस्वीकार करंती। परवर्ती प्रश्न हला लेखकंक वर्णनारे बंदीकर अन्य अभियोग गुड़िक कौन थिला। अन्य अभियोग गुड़िक मध्यरे से हा कथित धनी मानी ज्ञानी मानंकु सर्वसमक्षरे अपमानित लांछित करंती तरुण मानंकु प्रभावित करी उच्छृंखल और दिग्भ्रांत करुछंती कुशिक्षा देइछंती। सर्वशेषरे से निजकु पंडित्यमन्य अहंकारी और दाम्भिक भावरे उपस्थापित करिछंती। परवर्ती प्रश्नटी हला किए अंतर भितरे थाई मार्गदर्शन करे। यार उत्तर हला जी असत्य अशुभ अन्याय एवं अकल्याणरु निवृत करिथाय सेही अद्भुत दिव्य शक्ति जहा अंतर भितरे थाई मार्गदर्शन करे निर्दिष्ट सीमा भितरे से आबद्ध नुहंती। परवर्ती प्रश्नटी हला लेखक आत्मकथन शैलीरे कहार परिचय देछंती। आत्मकथन शैलीरे प्रकाश करथिया व्यक्ति जनकर नामे होउछि महाप्राज्ञ सोक्रेटिस। परवर्ती प्रश्न हला सोक्रेटिस काहेकि देशद्रोही। सोक्रेटिस भिन्न मत पोषण करुथिबारु से देशद्रोही अटंती। परवर्ती प्रश्न हला काहाकु युगीय प्रवृत्ति बोली कहाजाए। पुरातनकु परिहार करि नूतनकु ग्रहण करि नेबा हि युगीय प्रवृत्ति जहा चिरकाल सत्य भावे विवेचित। परवर्ती प्रश्न हला सोक्रेटिस को विरुद्ध रे अभिजोग कोन थिला। राष्ट्र धर्म रो विरुद्धाचरण प्रतिष्ठित मंदिर मस्जिद को अस्वीकार करिबा माननीय ज्ञानी मानंकु अपदस्थ वर्धिष्णु तरुण मानंकु उच्छृंखल दिग्भ्रांत तथा कुशिक्षा देवा आदि अभिजोग रे सोक्रेटिस अभिजुक्त थिले। परवर्ती प्रश्नटी हला आजि नुहें चिरकाल मु निर्भीक जातना किंबा मृत्यु भय रे कोन न करिबा पई सोक्रेटिस कहिछंती। जातना किंबा मृत्यु भयरे सोक्रेटिस सत्यपथरु विचलित न हेबाकु कहिछंती। परवर्ती प्रश्नटी हला सोक्रेटिस कर द्वितीय उद्देश्य कोन थिला।
ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟର ତୁଳାଦଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଲେ ହେଁ ବିଚାର ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସ୍ୱପକ୍ଷ ଓ ପରପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେହି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସକାଶେ ସୋକ୍ରାଟିସ୍ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ତରୁଣମାନେ ସ୍ୱତଃ ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ତରୁଣମାନେ ମୂଳତଃ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦିଗ ପାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସୋକ୍ରାଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ ଦେଖାଇ ନ ଦେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦିଗ ଖୋଜିବା ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସୋକ୍ରାଟିସ୍ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ଆସନରେ ବସିଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କର ଆସନରୂପ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରି ନଥିବାରୁ ସୋକ୍ରାଟିସ୍ ନାଚାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରି ନ ପାରିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ପଇସା ଥିଲା? ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ତିନୋଟି ପଇସା ଥିଲା। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କେଉଁମାନେ ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ଲାଟୋ, କ୍ରିଟୋ, ପଦ୍ମପାଦ, ସୁରସ୍ୱର, ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଦି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।